बीपीएससी 68 एग्जाम बहुत नजदीक आ गए हैं। 2023 वैसे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आ रही है, लेकिन उसमें बिहार के स्टूडेंट के लिए जो भी बीपीएससी दे रहे हैं उनके लिए 68 जो है वो प्रायोरिटी है। अभी अगर हम लोग ठीक से देखें तो अभी हमारे हाथ में लगभग 15 दिन है, एक दो दिन छोड़ दीजिए उसको वैसे ही रहने देते हैं बोनस में, तो हमारे हाथ में 15 डेज है। 15 डेज में जिन लोगों ने भी तैयारी ठीक से की है वो अगर एक सही पाथ पे चलते चले जाएंगे तो उनकी तैयारी रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन इन 15 डेज के अंदर जो डाइवर्ट होंगे, तैयारी को इधर उधर कर देंगे, सही तरीके से प्लांट वे में तैयारी नहीं करेंगे, तो रिवर्स गियर भी आपकी मेहनत पकड़ सकती है। सवाल ये उठता है इन 15 डेज के अंदर टाइम मैनेजमेंट क्या हो, सब्जेक्ट्स पे कैसे कैसे फोकस करें, किन चीजों को ज्यादा पढ़े किन चीजों को कम पढ़े, ये सारी चीजें मायने रखेगी। नया कितना पढ़े, रिवीजन का परसेंटेज क्या हो, सारी चीजों पे हम बात करेंगे। अभी हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से अभी आपके पास 25 है, तो 5 दिन और है इस महीने में। अगले महीने आने के बाद जो प्रेशर है ना वो सीधा सिर के ऊपर, उसके बाद आपको 12 नहीं दिखेगा, हर अगले दिन एग्जाम का फील आएगा कि अगले दिन एग्जाम होने वाला है। समझ में आ रहा है? वो जैसे ही फैब का एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आएगा ना, उसके बाद समझो कि धराशाही होना शुरू हो जाएगा सब चीज। अभी क्या है, क्योंकि सारी प्लान, मतलब वो प्रेशर इतना होता है कि आपकी स्ट्रैटेजी प्लान इन सबको डिस्टर्ब कर सकता है। अभी क्या करिए, अभी जो आपके रिवीजन का और नया पढ़ने का रेशियो होना चाहिए वो 18:20 का होना चाहिए, यानी 80/20 का होना चाहिए, यानी 80% आपको रिवीजन करना है, 20% कुछ नया करंट अफेयर्स, कोई सब्जेक्ट के अंदर कुछ छूट रहा है उसको इन 5 दिनों में आप कर लीजिए। पहले तो ये हो गया पहला कि 5 दिनों के अंदर आपका 80/20 का होगा। उसके बाद अपकमिंग एग्जाम तक ये रेशियो 90/10 का बदल जाएगा, यानी 90% जो है आप रिवीजन करेंगे और 10% जो है वो आपकी नहीं कुछ ऐसा लगेगा कुछ कैरेक्ट्स में छूट रहा है, कुछ नए फैक्ट्स हैं लाइक हिस्ट्री ज्योग्राफी किसी में भी, तो वो आप वहां पे करेंगे। सवाल है आपके बीपीएससी के अंदर, बीपीएससी के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? तो बीपीएससी में आपको मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट, पूरा मैंने तोड़ दिया इसको, मॉडर्न अच्छे से समझ लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, ये 3 हो गए, हिस्ट्री का पोर्शन है। साइंस में आएंगे तो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, 3 हो गया। इसके बाद ज्योग्राफी में आएंगे तो इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, 2 हो गया। करंट अफेयर्स में आएंगे तो नॉर्मल जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होता है और बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स, आप इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। पॉलिटी 1 तरफ हो गया। इसके अलावा तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गई, साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन 1 तरफ आया, तो ऑलमोस्ट यही है ना, बिहार स्पेशल आपका 1 बनेगा। तो ऐसे करके आपके पास 8-9 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसपे आपको काम करना है। अब इतने टाइम है नहीं कि आप इक्वली सबको इंपॉर्टेंस देंगे, और इतना टाइम भी नहीं है कि आप अपने कंफर्ट जोन या अपने नेचर के बियॉन्ड जाके चीजों को बहुत मजबूत कर लेंगे। आपने ऑलरेडी कर रखा है तो बात अलग है, अगर थोड़ी सी भी इधर उधर हुई है तो आप एकदम से अब इस बीच में उसको ठीक नहीं कर सकते। सवाल है फिर हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। देखिए बीपीएससी के अंदर अधिकांश सवाल जो आते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से होते हैं, इंडियन ज्योग्राफी से होता है, करंट अफेयर्स होता है, बिहार स्पेशल होता है, और ठीक है, और एक सेक्शन है पॉलिटी, इन सब बायो मॉडर्न हिस्ट्री, बायोलॉजी, इंडियन ज्योग्राफी, करेंट अफेयर्स एंड बिहार स्पेशल, ये 5 सेक्शन है जिसको आप एक बंच के रूप में डाल सकते हैं, यानी ये 5 सेक्शन से बहुत सवाल है। उसके बाद ऑन एन एवरेज सब इक्वली हो जाता है,
ऑन एन एवरेज सब इक्वल हो जाते हैं, लाइक इकोनॉमिक्स हुआ, ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुई आपकी, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, एंशियंट हिस्ट्री हुआ, मिडिवल हिस्ट्री हुआ, ये सब आगे पीछे रहता है। इसमें सबसे कम आई थिंक वर्ल्ड ज्योग्राफी रहता है और बाकी आगे पीछे क्या हाल होता है, कोई 10 कोई 12 कोई 10 कोई 12 ऐसे करके चलता है और बाकी सारा ये इधर खींच लेते हैं। तो हम जब हमें पता है कि 5 सब्जेक्ट सबसे अधिक मैटर करता है, तो जब हम रिवीजन करने जाएंगे तो सब पे इक्वली इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, जो हम स्ट्रेटजिकल चूक करते हैं। समझ में आ रहा है? हमें ये कोशिश करनी है इस बीच में कि हम बायो से, मॉडर्न हिस्ट्री से, जो इंडियन ज्योग्राफी से, करंट अफेयर्स से, इंक्लूडिंग बिहार स्पेशल को भी उसमें ऐड कर लीजिए और बिहार स्पेशल जो नॉर्मल है, यहां से सवाल हम नहीं हिलने देंगे। इस नहीं हिलने देने के अप्रोच के साथ, एक भी गलत नहीं होने देने के अप्रोच के साथ, इसको आप अपने रिवीजन का एक स्ट्रॉन्ग बंच, माने एक ऐसा गुच्छा बना दीजिए, बंच बना दीजिए, जहां पे आपको सबसे अधिक रिवीजन में टाइम देना है। 90% जो आपका टाइम, मतलब रिवीजन आप कर रहे हो, जितना भी टाइम दे रहे हैं आपके, आप लोगों के अकॉर्डिंग है जो भी टाइम दे रहे हैं, उसका 70% हिस्सा इन सब्जेक्ट्स को दे दीजिए। समझ में आ रहा होगा? 70% लोग, छात्र छात्र को अभी रिवीजन के इस बंच के अंदर, गुच्छे के अंदर आपको टाइम देना है, क्योंकि यहां से आप उस रिजल्ट को क्रैक करने का क्षमता इस पांच के अंदर है, तो यहां पे आपको गलत नहीं होने देना है। फिर एक और छोटा सा बंच आएगा, वो होगा एंशियंट मेडिवल हिस्ट्री का, और दूसरा होगा फिजिक्स का। उसके अंदर आप पॉलिटी मर्ज करेंगे, तो मेडिवल हिस्ट्री, फिजिक्स एंड पॉलिटी, ये तीनों फिर आसान है। आप कहोगे एंशियंट से ज्यादा, तो मेडिवल बहुत छोटा पीरियड है, वहां से अगर आप थोड़ा एफर्ट करते हैं, हर एक एक सवाल सही बना लोगे, गलत होने की गुंजाइश समाप्त होती है। एंशियंट हिस्ट्री में वो गुंजाइश रहता है कि गलत हो सकता है, संगम पीरियड, चोल पांड चेर, मतलब बहुत ज्यादा है, प्री मौर्या, मौर्या आफ्टर मौर्या, प्री गुप्ता, गुप्ता आफ्टर गुप्ता, ऐसे करके पूरा नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया का एक गजब घालमेल है। तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एंशियंट हिस्ट्री। मेडिवल उस मामले में नहीं, दिल्ली सल्तनत मुगल पढ़ के भी आप अच्छा खासा सवाल निकाल सकते हैं, सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री के हिसाब से, के कंपेयर में ज्यादा इजी होता है समझना, अंडरस्टैंड करना, वो ज्यादा आसान है, कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल होगा, आप इजीली बना लेंगे, फैक्ट्स भी बहुत इजी आता है। पॉलिटी अपने आप में आसान सब्जेक्ट माना जाता है, तो लेकिन चूंकि उसका परसेंट वेटेज कम है तो उसको इस बेंच के अंदर डाला गया, ये भी उसके कंपेयर में आसान है। तो अब पहले स्टेज पे इसको उठाओगे, दूसरे पे इसको, तीसरे पे आप किसको छोड़ रहे हैं? केमिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मैथ और इकोनॉमिक्स। तो ये आपका प्लस इकोनॉमिक्स, जिनको पसंद है, जिनको लगता है अच्छा है, अब ये इसके अंदर थोड़ा थोड़ा वैरी करेगा। अब जिसका मान लो साइंस, पूरे साइंस ही भी पकड़ है, तो खींच लीजिए वहां से, अलग कर दीजिए उसको। किसी को लगता है कि नहीं हिस्ट्री पे मेरी बहुत अच्छी पकड़ है, तो पूरे हिस्ट्री को खींच के एक तरफ ला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिवीजन का जो परसेंटेज होगा वो यही रहेगा, वो आपका कंफर्ट अलग बात है, इकोनॉमिक्स जहां पे रखना है रख लीजिए, लेकिन रिवीजन परसेंटेज वही रहना है आप यहां पर भी। तो अमूमन मैंने ये जो आमतौर पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके बीच में ये इस तरह से वो पार्टिसिप, मतलब इस तरह से उनके डिफिकल्टी लेवल और एग्जाम में उसका इंपॉर्टेंस और एग्जाम के अंदर कितना एफोर्ड करेंगे तो कितना अधिक सवाल निकाल सकते हो, इस पे मैंने इसको बदल दिया है, मतलब इसके कैटेगराइज कर दिया है। तो अब जो इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन है, मैथ्स वाला सेक्शन है, केमिस्ट्री का सेक्शन है, तो इन सेक्शन के अंदर और एंशियंट हिस्ट्री है, यहां पे आप सबसे कम टाइम देंगे, यहां पे सबसे कम समय देंगे। अगर जिनका भी यहां दिक्कत, जिसका हिस्ट्री ठीक है तो उसका ठीक ही होगा, तो काम कोई दिक्कत ही नहीं है। मैथ्स जिसका खराब है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब ये मत सोचते रहना कि मैथ्स नहीं बन रहा, मैथ हमें बनाना है, नहीं बनाना है, देखेंगे तुक्का खेला जाएगा वहां पे जैसे खेलते हैं पर। और केमिस्ट्री जिनका नहीं अच्छा है, मोटे मोटे फैक्ट्स पढ़िए, बात खत्म कीजिए। इकोनॉमिक्स जिनका नहीं अच्छा है, थोड़े थोड़े पढ़ लीजिए, जो फैक्चुअल प्रीवियस ईयर्स के अंदर है घटनाचक्र में, उसको पढ़ लीजिए, हो जाएगा। तो इस तरह से अपने सब्जेक्ट्स को अलग करके रिवीजन मोड में डालिए। रिवीजन करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि बस कुछ भी पढ़ रहे हैं,
कैसे भी पढ़ रहे हैं, रिवीजन करने के पहले स्कैनिंग किया जाता है, किस किसका कितना रोल है, कौन ज्यादा कंफर्टेबली हैंडल किया जा सकता है, किसमें थोड़ा एफर्ट लगा के हम उसको वहां से बढ़िया स्कोर खींच सकते हैं। तो ऐसी प्लानिंग करने के साथ रिवीजन किया जाता है। तो होपफुली कि आप समझ रहे होंगे मैं जो समझाना चाह रहा हूं। अभी जो आपका आप इस जनवरी तक आप 80-20 के रेशियो पे चलिए और उसके बाद 90-10 कर लीजिएगा, सिर्फ रिवीजन ही रिवीजन रहेगा और कुछ कुछ बीच में लगेगा, ऐड करना ऐड करते चले जाइए, बात खत्म हो गई, एग्जामिनेशन दीजिए और रिजल्ट लेके अपने घर आइए। ठीक है, तो जिनको भी रिवीजन से रिलेटेड डाउट्स थे कैसे करें, अप्रोच इस 10 दिनों के अंदर क्या हमारा हो, वो उनके लिए ये जवाब है। पूरे अच्छे से ग्राफिक मतलब पूरे अच्छे से आपको मैंने समझा दिया है, सारी इमेजेस मैंने यूज कर लिए इसके अंदर, मैंने जो भी स्लाइड्स यूज करने चाहिए थे वो इसलिए बंच मैंने दिखा दिया कि आपको दिक्कत ना हो, आप कैटेगरी ग्रुप वाइज करके उस पर ध्यान दे सकते हैं। तो होपफुली समझ में आ जाना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो।